ऊपर से मैंने डाला है कोरिएंडर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं बैंगलोर वापस आ गया हूँ और बैंगलोर आने के बाद ये मेरा नया व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मटन कौशा की रेसिपी शेयर करूंगा, होममेड स्टाइल, और साथ साथ हम लोग करेंगे खूब सारी मस्ती अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अभी ठीक है, अभी चलेगा नहीं, अभी ठीक हो गया, अभी मूड ठीक हो गया है। रिएक्शन देखो कितनी जल्दी चेंज होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। काफी दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि मैं फिर से वही अपनी पुरानी जगह बैंगलोर आ गया हूँ। नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया है, यहाँ पे भी लॉकडाउन ओपन हो गया है, और डेट तारीख समय बताना आप लोगों को ज़रूरी है। तो आज है सैटरडे का दिन, और काफ़ी दिनों के बाद जैसा कि मैं बैंगलोर आया हूँ, मम्मी पापा भी साथ में बैंगलोर आए हुए हैं। कोलकाता में काफ़ी दिन तक मैं था, सब कुछ बीत गया वो टाइम, और अभी फिर से बैंगलोर आया हूँ अपने नॉर्मल रूटीन के साथ। ऑफिस वगैरह ओपन हो गया है, बट हाँ अभी भी सेफ रहने की ज़रूरत है, घर पर रहने की ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक तो यार हैबिट बन जाती हैं। और उन्हीं लोगों से मिले जिनसे आप डेली मिलते हो, उठते बैठते हो। तो इसी नोट पे सैटरडे का प्लान कुछ ऐसा है, अभी तो मैं जा रहा हूँ मार्केट राइस जी के साथ, और लाने वाला हूँ बढ़िया मटन। और अगर मटन आएगा तो डेफिनेटली बात है कुछ अच्छा बनने वाला है मटन का। जैसा कि काफ़ी टाइम हो चुका है तो हम लोगों ने साथ में बैठ के लंच वगैरह भी नहीं किया, तो आज हमने साथ में लंच प्लान किया है। यहाँ पे हम हैं संगीता मम्मी पापा, और साथ में दीदी की फैमिली है, प्रतिमा दीदी की, बबीता दीदी की, और आ रहे हैं आनंद भैया भी। तो हम सब जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फैमिली है बैंगलोर की, हम लोग साथ में बैठ के यार लंच करने वाले हैं। अभी फटाफट निकलता हूँ HL मार्केट। HL मार्केट के पीछे एक दरगाह है, एक मस्जिद है, वहाँ पे अबू मटन्स करके है, वहाँ पे ना बहुत अच्छा मटन मिलता है। मैं लगभग 4 साल से वहाँ से खरीद रहा हूँ, एंड वो भैया मेरे को बहुत से पहचान गए हैं, तो मेरे को जब भी कुछ चाहिए होता है मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। आज जैसे मैंने पता कर लिया था तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि सुबह 7 बजे ही दुकान ओपन हो गई है। तो अभी अपन फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी 8:20 होने वाले हैं, और लेट नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टरनून का प्लान है और मटन बनने में टाइम भी लगता है। चलो विदाउट एनी डिले सबसे पहले चलते हैं, जिया जी को जगाते हैं, और उड़ गए, उनको फ़ोन किया था मैंने, और मम्मी गुड मॉर्निंग कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग, मम्मी उठ गई सुबह सुबह। चलो है 8:30 बजे कहाँ सोए? हाँ 8:30 बजे सुबह नहीं है, अच्छा इनको 7 बजे उठने की आदत है। चलो अच्छी बात है, सो गए तो जाती है। अभी तो जिया जी गुड मॉर्निंग बोल दो हमारे दर्शकों को। तो आज हमने नया ब्लॉग शुरू किया है आज से, बड़े दिनों बाद। तो चलो फटाफट निकल रहे हैं मार्केट, क्या लाना है? बकरा। और भैया कैसे हैं? और सब बढ़िया? कब से ओपन किया ये? ओपन था कि ओपन ही था ना? ये कहीं जा नहीं रहे थे, अभी सब ओपन हुआ है तो फिर निकल रहे हैं। ओपन ही था, 10 बजे तक था। 10 बजे तक अब पूरा चल रहा है ना? Later. तो मटन वगैरह लेके आ गए हैं, और सबसे पहले अभी करता हूँ क्या काम, मटन डालता हूँ वॉश करने के लिए, और
चाय बनाया जाए। चाय से तो रस तैयार है, चाय तैयार है, फटाफट चाय और रस खत्म करते हैं और उसके बाद मटर को धोएंगे, धो के मैरिनेट करेंगे। चाय एंड रस्क यो यो मॉर्निंग में। इधर काम पे लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो अच्छा तो आ रहे, चलो चलो काम पे लगो, चलो। आज मैंने तेरे को कैमरामैन बनाया, कैमरामैन घोषित किया। संगीता को हर वीडियो में बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं कि तुम मेरे को खाते हुए दिखते हो, तो मैंने आज संगीता को नया काम दिया है। मैंने बोला तुम ऑन कैमरा आ जाओ, तो मैं लिख दूंगा ऑन कैमरा संगीता, तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें सब लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छा कैमरा भी करती है, बहुत ज़्यादा वीडियो भी करती है, अच्छे से बोलेगा। ये तो हर वीडियो में यही बोलते हैं लोग कि संगीता तुम तो हर वक्त खाते हुए दिखते हो। दौड़ता बकरा, हाँ जिंदा बकरा पका देंगे आज। आप उठ गए, उड़ता चिकन डेली ऐसा ही बनता है, कभी उड़ता चिकन बनता है, कभी दौड़ता बकरा बनेगा आज। आज का रेसिपी का नाम पापा का दिया हुआ, दौड़ता बकरा। अच्छी क्वालिटी का मटन देखो लेके आया हूँ मैं, लगभग 2 kg मटन है, ठीक है। इसको मच्छे अच्छे से मैं 2-3 बार वॉश कर लिया है, पानी पूरा निकल जाए, जितना हो सकता है पानी निकाल लो, और इसको फिर मैं मैरिनेट करता हूँ फटाफट, ठीक है। हल्दी, दो चम्मच मैंने बड़ी में हल्दी डाल दिया है, सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट होता है ना अभी डाल देता हूँ, बाद में ही डाल दूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, और लेमन, 2 लेमन निचोड़ दूंगा मैं इसमें अच्छे से, बढ़िया से मैरिनेट कर लेंगे हाथ से अच्छे से। मैरिनेट करके सब कवर करके रखेंगे। कोरिएंडर ले लिया है, अदरक है, लहसुन है, 5-6 हॉट चिली है, ग्रीन चिली, प्याज मैं लगभग 1.5 kg से 2 kg की बजाय बड़ा बड़ा स्लाइस करूँगा इसका, मैं काट के रखा हुआ है, और मटन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। जो मैं पेस्ट बना रहा हूँ ना उसमें धनिया है, अदरक है, लहसुन है, और इसका एक मिक्स पेस्ट है, तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा टेंगीनेस के लिए ना मैं थोड़ा टमाटर ऐड कर रहा हूँ, ये जिंजर गार्लिक कोरिएंडर पेस्ट के साथ टमाटर इसमें ही डाल दिया मैंने, इसको फटाफट पीस ले, पीस के वापस आते हैं। चॉप करके रखा हुआ प्याज को ऐसे पतला पतला प्रोसेसिंग में, तो ये भी काम आ जाएगा अपने जब ग्रेवी बनाएंगे। सरसों का तेल ऐड किया, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, सौंफ, देगी मिर्च। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मसाले का फ्लेवर आ गया है, तो हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज जो है वो मैंने भूनने के लिए डाल दिया है। प्याज को भूनने में लगभग 10 मिनट लगेगा, हल्का सा ब्राउन भूनना है इसको, चलाते रहूँगा इसको बीच बीच में, और उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड करूँगा। Few moments later. प्याज भुज गया है, अब मैं इसमें मटन ऐड करूंगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना कलर आपको कैसा आ गया, ये कलर आना बहुत जरूरी है, ऐसा कलर आना है। बढ़िया, अभी चला दिया है इसको, अभी मैं अभी
अपनी हाई फ्लेम पे है, उसको मैं थोड़ा पानी छोड़ेगा ना, पानी छोड़ने के बाद उसको लो फ्लेम पे करके ढक दूंगा और लिटरली इसको एकदम लो पे जो छोटा वाला स्टोव है ना, ये छोटा वाला स्टोव में रख दूंगा और इसको होने देंगे आराम से एक से डेढ़ घंटा। तब तक मैं राइस वगैरह बना लूंगा, रोटी वगैरह बना लूंगा, जो भी इसका साइड डिश बना लो, सलाद वलाद रेडी करते हैं, तो उसको धीरे धीरे होने देना है विदाउट डिस्टर्बेंस। जितना कम डिस्टर्ब करेंगे ना उतना अच्छा स्वाद आएगा। कुछ समय पश्चात ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। One hour later. हाँ तो दोस्तों कलर देख रहे हो ना इसका, बढ़िया कलर आ गया है, बहुत सुंदर सा लग रहा है ये देखने में। अभी इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करूंगा, जैसे ये है केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर मैं इसमें ऐड करूंगा, एक चम्मच केवड़ा वाटर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, घर से लाया हुआ घी, देसी घी, ज्यादा नहीं, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच, इसी में आधी जनता अलग हो जाएगी। ये ना वृंदा का जो घी है, ये इस बार मैं घर गया था और फिर जब वापस आया तो हम लोग फिर से 2 kg लेके आए, जिसमें से मैंने 1/2 kg आलम भैया को भी दिया है और 1.5 kg अपने पास पड़ा हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म एश्योरेंस। और खुशबू ना, स्किन को पर खुशबू आ रहा है, देखो अभी ना मटन इस कंडीशन में पक चुका है, तो पक तो चुका है बट हड्डियां छोड़ दी है मटन में, निकल रहा है एक पीस उसका, तो मैं एक बार जस्ट चेक करने के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो संगीता टेस्ट करना पसंद करोगे आप? इसके लिए ना नहीं बोल रहे, अच्छा नमक वगैरह भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो एक पीस और निकालते हैं। अच्छा इसमें ना बहुत नॉमिनल मसाले में किया है, मतलब घर के पिसे हुए मसाले हैं, ना मीट मसाला डाला है ना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ इसको बनाया है। तो पहले ना मैं मसाले का नमक टेस्ट करता हूँ, नमक कितना थोड़ा सा लिया, परफेक्ट। एक ऐसे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा झोल करना है ना, बड़ा गंदा सा आया ना उंगली से चाटते हुए, भाई घर का आया ऐसी करते हैं। मजा आ गया, अच्छा टेंडर हो गया, क्या मटन निकल आ रहा है ठंडी से। थोड़ा सा ग्रेवी के लिए मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया, ऊपर से मैंने डाला है कोरिएंडर। द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा मैंने पहले ऐड किया था और थोड़ा अब ये गया। चैप्टर क्लोज, द एंड बनके तैयार है, इसको सर्व करेंगे और फटाफट खा लेंगे यार। और अगर आप लोगों को पसंद आया यहाँ तक कैसे बनाया मैं रेसिपी, बहुत सिंपल तरीके से एक ही कढ़ाई में खाना बनाया है, कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा टाइम दिया है, तो आप भी ऐसे ही बनाइए और गारंटी है कि आपको खा के मज़ा आ जाने वाला है। अगर थोड़ी देर में सब आने वाले हैं, सबके साथ सर्व करेंगे, सबका फीडबैक भी लेंगे, और संगीता का ऑलरेडी फीडबैक आ चुका है, कैसा लगा तुमको टेस्ट करके? अभी हम इसका प्लेटिंग करेंगे फिर सबको खिलाएंगे। हाँ बैठ रहा हूँ, दुलराम को खिला दो, लूड़ा मटन खाएगा। सब आ गए हैं, खाना सर्व करते फटाफट। काजी कैसा बना है? बस सिंपल है, हाँ नहीं वो पापा के लिए बनाया था। आपको अलग से एक दिन आलू भुजिया वो खिला देंगे। इस डिश का नाम क्या रखा गया पता है? पापा ने इसका नाम रखा है क्या बोलो? नहीं नहीं, दौड़ता हुआ मटन। कल उड़ता हुआ चिकन बना, आज दौड़ता हुआ मटन। दुलराम खाना खा लिया? दुलराम भी इंस्पेक्शन कर रहा है। संगीता कैसा है? प्रतिमा जी कैसा है? बबीता जी ने खाना खत्म भी कर दिया ऐसा लग रहा है। मैं
लंच हो गया खत्म, सब खा के सोने चले गए। एक आदमी बचा हुआ आ रहा है शोभित, उसने मेरा हेल्प किया है, वो आएगा उसको सर्व कर देंगे और बाकी सबने खा लिया है और खाने के बाद चल रहा है मिठाई। तो इसी नोट पे आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।